हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको ऐसे ट्रेनर से मिलाऊंगा जिन्होंने पाकिस्तान के अलावा बाहर भी अपनी ट्रेनिंग सेशंस को बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट किया है। आए आज हम उनकी जुबानी उनसे कुछ पूछते हैं। अजमल साहब, ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि आप इस चीज पे फोकस करते हैं कि डॉग की बाउंडिंग आपके साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप उसके साथ खेलें, मारे ना, उसके साथ बिल्कुल एज अ फ्रेंड लेके चलें, और आप इस ट्रेनिंग में क्या क्या सर्विसेज देते हैं प्लीज बताएंगे कुछ? ये बेसिकली इनको समझना पड़ता है, खेलना पड़ता है, इनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और ये चीज़ हमें नोट करनी पड़ती है कि ये लैंग्वेज कौन सी समझेगा, कौन सी जुबान जो है इसके साथ हम बोलेंगे, किस तरह का बर्ताव करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, तब जाके वो समझेगा। तो मेन चीज़ जो है वो फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप के साथ जो है वो आप इसके साथ काम कर सकते हैं। बेसिकली मैं एक ख़ुद शौकीन बंदा हूँ, लोगों का शौक करवा रहा हूँ, ठीक है जी। जो लोगों ने डॉग्स रखे हैं टाइम नहीं दे सकते और वो चाहते हैं कि हमारा जो डॉग है वो डिसिप्लिन हो, ओबीडियंट हो और बदतमीज़ी ना करे, हमारे कहने पे बैठ जाए, लेट जाए, केज में चला जाए, खाना आगे रखें, वेट करे, जंप ना करे और नए बंदे के ऊपर बार्क करे या अटैक करे और हमारी कमांड पे छोड़े, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर मैंने फोकस किया। और लोग मेरे पास आते हैं ऐसे जो अपने जो डॉग्स हैं वो इस मकसद के लिए तैयार करवाते हैं। अच्छा भाई, आप कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ट्रेनिंग्स में देते हैं? जो लोग हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग सिखा रहे हैं कि जिस जिसने डॉग रखा हुआ है उसको ट्रेन कैसे करना है। जो लोग ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं वो हमारे पास आ जाएं, हमसे रब्ता कर लें, हम उनको जो असल ट्रेनिंग है IGP की है चाहे बाइट वर्क की है वो उनको हम लोग सिखाएंगे। अच्छा सर, कितनी देर का ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कितने सेशंस होते हैं और कैसे आप इसको लेके चलते हैं? अब बाइट वर्क का एक अलग प्रोसेस है, फिर उसमें डॉग को भी देखना होता है कि डॉग जो है ये आपका कितना टाइम लेगा। कुछ डॉग जो है उनकी ड्राइव अच्छी होती है, वो जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं, कुछ जो है वो थोड़े से लेजी होते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको आस्ता आस्ता लेके चलना पड़ता है, तो ये डॉग के ऊपर भी डिपेंड करता है ज़्यादातर। आई थिंक हर डॉग की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है कि उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसकी ट्रेनिंग की जाती है। मोस्टली 4 से 5 मंथ्स का जो पपी होता है उसको हम कमांड देना शुरू कर देते हैं कि इस तरीके से जो भी करना है। वैसे तो मेरा अपना पूछें तो 35-40 डेज़ का जिस टाइम पपी होता है तो उसको हम हल्का हल्का शुरू कर देते हैं कि चलो जी ये बॉल को ऐसे पकड़ना है, कपड़े को ऐसे खेलना है इस तरीके से, तो वो ड्राइव बनानी पड़ती है खुद उसकी। इसका मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें आप एक प्ले ड्राइव ले के आते हैं ताकि वो उस प्ले ड्राइव को ले के आगे चलता है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ डॉग्स जो हैं वो 8-9 मंथ्स की एज में जिस टाइम पहुँचते हैं तो वो अपना खुल के सामने आ जाते हैं, कुछ जो है वो 1 ईयर का जिस टाइम होता है तो उस टाइम आ जाते हैं। मोस्टली 5-6 मंथ तक जो पपी है अगर आप सही तरीके से उसको अटेंड कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, फ्रेंडशिप ठीक की हुई है, उसको प्रॉपर उसको वॉक करवा रहे हैं, फ्रेश किया, मतलब गुस्सा नहीं कर रहे आप उसके साथ, उसको झिड़क नहीं रहे हैं, लाड प्यार कर रहे हैं, तो वो जल्दी सामने आ जाता है जो थोड़ा सा ऐसे ढीला पपी होता है। लेकिन ये कम चांस ऐसे होते हैं मेरे साथ, ज़्यादातर जो पपीज़ मेरे पास आते हैं उनकी ड्राइव में बना लेता हूँ। ये जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है ये किस जगह पे है, हमारे व्यूवर्स को कुछ शेयर करेंगे आप? इस्लामाबाद में पिंडी में चूर चौक हमारा जो है वो हेड ऑफिस है, जिल में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। क्या आपके पास बोर्डिंग की भी फैसिलिटी होती है? जी, बोर्डिंग की भी फैसिलिटी है और ट्रेनिंग के लिए भी जो डॉग्स आते हैं ज़ाहिर है साथ बोर्डिंग का भी उनका सारा करना पड़ता है। जो हमने ट्रेनिंग सेशन शुरू किया है जी, इसमें जो लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि हमें डॉग को हैंडल करना सिखाएं, वो बदतमीज़ियाँ करता है, ज़्यादातर जो घरों में लोगों ने शौक से अपने रखे हुए हैं डॉग्स, तो वो मेन जो चीज़ है ट्रेन द ट्रेनर जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है वो इसी मकसद के लिए है कि आप अपने डॉग को खुद तैयार कर सकें, खुद अपने से वो उसको ट्रेन कर सकें, चाहे आप डॉग शो में लेके जाना चाह रहे हैं चाहे आपने अपने घर में रखा हुआ है, तो उस मकसद के लिए भी आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम जो अनाउंसमेंट है इसकी करेंगे, पिंडी इस्लामाबाद में इसका प्रोग्राम करेंगे, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो आ सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है उसका कोई आपने फ़ीस स्ट्रक्चर कोई अनाउंस किया है? अगर वो किया है तो वो क्या है? आई थिंक ये पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम इस तरह ये प्रोग्राम हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो हम मुनासिब सी फ़ीस रखेंगे, उसकी भी अनाउंसमेंट कर देंगे, हम नंबर अपना दे देंगे, तो जिस जो भी शौकीन हैं जो इंटरेस्टेड हैं रब्ता कर लें हमसे इंशाल्लाह। थैंक यू अजमल फॉर द वंडरफुल सेशन विद अस एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल टाइम विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।